गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बहुत सारा क्वेश्चन टेलीग्राम में आया है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, हमको ये समझना है कि रेपट्टी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, रेपट्टी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल शब्दों में समझना है। अब रेपट्टी में जो भी रूब्रिक है उसका एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग समझेंगे, और उसके लिए हमें ये समझना है कि रेपट्टी जो है मेनली केंट साहब ने रेपट्टी बनाई है, और वो शायद अमेरिका के थे, तो हमें अमेरिकन डिक्शनरी यूज करना होगा, उसके साथ साथ 6-7 डिक्शनरी यूज करना होगा, और ये देखना होगा कि उस शब्द का हमारे भारतीय संस्कृति में क्या उसका अर्थ निकलता है, और फिर हम लोग क्षेत्रीय स्तर पे देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में उस शब्द का यूज कैसे होता है, लोग उस शब्द का यूज कैसे करते हैं, तब जाके बात हमें समझ में आएगी। यदि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ तो मैं मुंबईया भाषा में पहले समझने का प्रयास करूंगा कि उस शब्द को मुंबई में लोग कैसे बोलते हैं, गुजरात में कैसे बोलते हैं, झारखंड में कैसे बोलते हैं। यदि झारखंड में बोलते हैं तो फिर झारखंड का जो हमारा हमारा अपना क्षेत्र है, हमारा जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें लोग वहां लोग कैसे बोलते हैं, फिर वही शब्द का हमारे क्षेत्र में हमारे इर्द गिर्द में लोग कैसे बोलते हैं, पहले उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।